नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज आपका जो टॉपिक है वो बीएड सेकंड ईयर के जो एग्जाम्स होने वाले हैं उनको ध्यान में रखते हुए ये वीडियो आपके लिए बनाया गया है। और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है मूल्यांकन रूब्रिक्स के बारे में। आपके राजस्थान विश्वविद्यालय के जो पिछले पेपर्स हुए हैं उनमें भी ये क्वेश्चंस पूछा गया है, उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो वीडियो में जो भी मैंने आपको बोर्ड पर नोट्स लिखवाए हैं उनको एक बार पढ़ करके आपको जाना है, ताकि आप मूल्यांकन रूब्रिक्स का अगर अर्थ भी समझ गए तो आप आराम से इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। तो लगातार मेरे वीडियो पर आप बने रहिए और इस वीडियो में जो मैं आपको बोर्ड पर लिखा हुआ है उसको ध्यान से देखें और समझें। अगर आपने मूल्यांकन रूब्रिक्स का अर्थ भी समझ लिया तो जो आगामी 29 तारीख से आपके जो एग्जाम्स होने वाले हैं उनके लिए आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। तो देखिए मूल्यांकन रूब्रिक्स, सबसे पहली बात है मूल्यांकन क्या होता है। आपने पिछले मेरे वीडियोस में देखा भी होगा कि मूल्यांकन एक व्यापक प्रक्रिया है जिसमें बालक के ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक तीनों पक्षों का विकास होता है। विद्यार्थियों, मूल्यांकन एक व्यापक प्रक्रिया है जिसमें विद्यार्थी का या बालक का ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक इन तीनों पक्षों का विकास होता है। विद्यार्थियों, किसके अंतर्गत? मूल्यांकन के अंतर्गत। अब बात आती है मूल्यांकन का रूब्रिक्स क्या है। रूब्रिक्स एक वर्गीकरण करने का मापदंड है। विद्यार्थियों, इसमें ये नहीं देखा जाता कि छात्र ने क्या क्या त्रुटियां की, छात्र में क्या क्या कमियां रह गई। ये देखता है कि छात्र की गुणवत्ता में, उसकी क्रियात्मकता में, उसकी भावात्मकता में कितनी बढ़ोतरी हुई है, ये देखता है विद्यार्थियों मूल्यांकन रूब्रिक्स। तो रूब्रिक्स क्या है? रूब्रिक्स मूल्यांकन करने का एक मापदंड है जिसमें छात्र और अध्यापक दोनों का मूल्यांकन किया जा सकता है। अध्यापक छात्रों के मूल्यांकन के माध्यम से इस रूब्रिक्स के मापदंडों को समझ करके अपने शिक्षण कौशल का विकास कर सकता है। अध्यापक ये समझ पाता है कि छात्र को किस गुणवत्ता आधारित शिक्षा प्रदान हम कर सकते हैं, ये रूब्रिक्स के माध्यम से हमें पता चल जाता है। और रूब्रिक्स को जो है आपको मार्केट में बने बनाए जो है वो ऑनलाइन भी उपलब्ध है और आपको ऑफलाइन भी मापदंड उपलब्ध हो जाते हैं, ताकि आप उनको उनके माध्यम से विद्यार्थी का और अध्यापक का दोनों का विद्यार्थियों मूल्यांकन कर सकते हैं। तो मूल्यांकन रूब्रिक्स की जो परिभाषा है उसको एक बार ध्यान से सुनेंगे। विद्यार्थियों का अधिगम परिमाण, विद्यार्थियों का कितना उसने सीखा, कितना विद्यार्थी ने अधिगम किया, अधिगम सीखना, कितना निष्पत्ति, कितने उसने अंक आए, निष्पत्ति कितने उसने अंक आए, उसका मूल्यांकन करने का उपकरण है। तो रूब्रिक्स एक क्या है विद्यार्थियों? मूल्यांकन करने का एक उपकरण है जिससे छात्र की अधिगमता का पता चलता है कि छात्र ने कितना अधिगम किया और छात्र के कितने अंक आए और कितने अंक आ सकते हैं, उसको मापने का जो तरीका है वो ही है विद्यार्थियों रूब्रिक्स। उसके बाद आता है मानदंडों का एक ऐसा समूह जिसका प्रयोग छात्र को मूल्यांकन करने हेतु किया जाता है, उसे ही हम रूब्रिक्स कहते हैं। उसके बाद आता है रूब्रिक्स एक विवरण है, एक डिस्क्रिप्शन है, एक मतलब प्लेस है, उस प्लेस में भरकर के चीजों को हम तात्कालिक बच्चे का मूल्यांकन कर सकते हैं। तो छात्र के मूल्यांकन करने का एक उपकरण है, एक मापदंड है, छात्र ने क्या सीखा, उसका निष्पत्ति परीक्षण कितना रहा, ये हम रूब्रिक्स के माध्यम से तात्कालिक रूप से प्राप्त कर सकते हैं विद्यार्थियों। उसके बाद आता है रूब्रिक्स गुणवत्ता और प्रदर्शन। ध्यान रखना विद्यार्थियों, छात्र की कमियों की ओर नहीं देखता है रूब्रिक्स, रूब्रिक्स ये देखता है छात्र की गुणवत्ता में कितनी वृद्धि हुई, छात्र की क्रियात्मकता में कितनी वृद्धि हुई,
इसको देखता है विद्यार्थियों कौन? रूब्रिक्स। तो रूब्रिक्स अधिगम परिणाम और निष्पत्ति का मूल्यांकन करता है। रूब्रिक्स मानदंडों का एक समूह है जो छात्रों का मूल्यांकन करता है। रूब्रिक्स एक विवरण है जो गुणवत्ता और प्रदर्शन पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। अब बात आते हैं रूब्रिक्स को किस नाम से जाना जाता है? मानदंड सीट के नाम से। एक शीट होती है, उस शीट को भर करके हम अपना खुद का आकलन कर सकते हैं, स्वयं का मूल्यांकन कर सकते हैं और तत्काल हमें फीडबैक भी मिल जाता है। किसके माध्यम से? रूब्रिक्स के माध्यम से। तो रूब्रिक्स एक मापदंड सीट है, एक ग्रेडिंग योजना है। ग्रेड प्रणाली आपने पढ़ी थी कि किस क्षेत्र में विद्यार्थी का विकास हुआ, एक ग्रेडिंग योजना है, एक स्कोरिंग गाइड है कि आपका किस एरिया में, किस क्षेत्र में रुझान ज्यादा है, किस क्षेत्र में आप अच्छा स्कोर कर रहे हैं। तो एक स्कोरिंग गाइड है, एक मापदंड सीट है और एक ग्रेडिंग योजना है। ये रूब्रिक्स के उपनाम है विद्यार्थियों, आपको ध्यान रखना है। मापदंड शीट भी नाम दिया हुआ आ सकता है। मूल्यांकन मापदंड शीट क्या है? तो रूब्रिक्स की मूल्यांकन शीट है विद्यार्थियों, एक ग्रेडिंग योजना है, एक स्कोरिंग शीट है। फिर आता है रूब्रिक्स का अध्यापक के लिए क्या उपयोग है और छात्र के लिए क्या उपयोग है। तो देखो विद्यार्थियों, छात्र के किए गए कार्य का मूल्यांकन प्राप्त करने के लिए छात्र के द्वारा, मान लो अध्यापक ने कुछ पढ़ाया और छात्र को क्या दिया, उसने गृह कार्य दिया। छात्र को जो भी कार्य दिया गया है उसका मूल्यांकन अध्यापक रूब्रिक्स के माध्यम से कर सकता है। उसके बाद आता है समय की बचत करने में। आपको पता है निष्पत्ति मूल्यांकन करने में, परीक्षाएं आयोजित करने में समय खराब हो जाता है। तो अगर हम रूब्रिक्स का यूज करें तो बिना समय को गवाए हम रूब्रिक्स के माध्यम से अधिगम के दौरान भी बालक का मूल्यांकन कर सकते हैं। तो समय की बचत करने में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान है। उसके बाद आता है शिक्षण कौशल का विकास करने में। आपको पता है अध्यापक ने छात्र के दिए गए कार्य का मूल्यांकन कर लिया, उसके माध्यम से अध्यापक ये समझ सकता है कि किस शिक्षण कौशल के माध्यम से विद्यार्थी को पढ़ाया जाए ताकि विद्यार्थी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा अर्जित कर सके। तो रूब्रिक्स के माध्यम से अध्यापक समझ पाता है कि छात्र को किस शिक्षण कौशल के माध्यम से पढ़ाया जाना चाहिए। तो शिक्षण कौशल का विकास होता है किसके? अध्यापक के। अब छात्र और पाठ्यक्रम के कार्यों के घटकों और अपेक्षाओं को स्पष्ट करने में कि छात्र के कार्य के घटक इसमें दिखाए जाते हैं कि उसका कौन कौन से किस किस क्षेत्र में विकास हुआ है और उनसे किन किन अपेक्षाओं की पूर्ति हुई है, वो सब हमें रूब्रिक्स के माध्यम से स्पष्ट हो जाते हैं। पाठ्यक्रम का के घटक पता चल जाते हैं और उससे जो भी हमें प्राप्त होना है उसके बारे में अध्यापक को जानकारी प्राप्त हो जाती है। उसके बाद आता है तुरंत प्रतिपुष्टि प्रदान करने में। अधिगम के दौरान रूब्रिक्स के माध्यम से हम तुरंत फीडबैक प्राप्त कर सकते हैं कि हमने जिस शिक्षण कौशल के माध्यम से विद्यार्थी को पढ़ाया है क्या वो सक्सेसफुल है, और अगर कोई कमी रह गई है तो हमें शिक्षण कौशल में किस प्रकार का सुधार करना है अध्यापक को, ये रूब्रिक्स के माध्यम से पता चल जाता है। तो रूब्रिक्स के माध्यम से छात्र को दिए गए कार्य का मूल्यांकन कर पाता है अध्यापक, समय की बचत कर पाता है अध्यापक, शिक्षण कौशल का विकास कर पाता है अध्यापक, छात्र एवं पाठ्यक्रम कार्यों के घटकों और अपेक्षाओं को स्पष्ट कर पाता है अध्यापक, तुरंत प्रतिपुष्टि प्रदान करने में भी किसका योगदान रहता है, किसका? रूब्रिक्स का योगदान रहता है। अब बात आती है छात्र के कार्यों में। छात्र को क्या उपयोगी है रूब्रिक्स? तो देखिए छात्र को क्या क्या सहायता प्रदान करता है। कार्यों के घटकों और अपेक्षाओं को समझने में सहायक होता है। मतलब यहाँ पर है कि छात्र ने जो भी कार्य किए हैं उस छात्र के किए गए कार्यों में कौन कौन से घटक है जिनको छात्र को सीखना था
और किन किन घटकों को छात्र ने सीखा ये समझ पाता है छात्र किसके माध्यम से, रूब्रिक्स के माध्यम से। फिर है अधिगम प्रगति, वो देख पाता है कि उसने कितना अधिगम किया, कितनी उस अधिगम की जो प्रक्रिया है, कितना अधिगम किया है, कितनी उसकी गुणवत्ता में सुधार हुआ है, कितना उसको अपने आप में इम्प्रूवमेंट करना है, इस प्रक्रिया के माध्यम से कौन समझ पाता है, छात्र इस प्रक्रिया को समझ पाता है और प्रतिपुष्टि प्राप्त कर पाता है। छात्र अपने आप का मूल्यांकन कर पाता है और तुरंत प्रतिपुष्टि मिलने के कारण जो है वो अपने आप में सुधार कर पाता है। तो आपने देखा मूल्यांकन रूब्रिक्स एक अधिगम परिणाम निष्पत्ति मूल्यांकन करने का एक तरीका है, मानदंडों का एक समूह है विद्यार्थियों, इससे अध्यापक और छात्र दोनों को के लिए ही उपयोगी माना जाता है। कौन है आपका रूब्रिक्स। अब आता है रूब्रिक्स के प्रकार, रूब्रिक्स के दो प्रकार है विद्यार्थियों, एक है आपका पूर्णतावादी और दूसरा है आपका विश्लेषणात्मक। क्या फर्क है दोनों में देखिए विद्यार्थियों, विभिन्न समूहों का आकलन, विभिन्न समूहों का आकलन एक साथ वर्गीकृत करके एक ही शीर्षक के अंतर्गत ग्रेडिंग योजना बनाना विश्लेषणात्मक है पूर्णतावादी। मतलब कार्य के घटक अलग अलग होते हैं लेकिन उनका शीर्षक एक होता है, उसके आधार पर जो मूल्यांकन या ग्रेडिंग दी जाती है उसे ही बोलते हैं पूर्णतावादी रूब्रिक्स। और विश्लेषणात्मक में हर घटक का व्यापक स्तर पर मूल्यांकन होता है, व्यापक स्तर पर उसकी व्याख्या की जाती है। तो पूर्णतावादी जो विश्लेषण है इसके आधार पर छात्र को तुरंत प्रतिपुष्टि मिल जाती है, लेकिन इसकी एक हानि ये है कि छात्र के बारे में विस्तृत ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता है, ये हर घटक का मूल्यांकन जो है वो पूरी तरीके से नहीं हो पाता है, जबकि विश्लेषणात्मक मूल्यांकन में हर घटक का मूल्यांकन अलग अलग मापदंडों के आधार पर किया जाता है जिससे छात्र का संपूर्ण मूल्यांकन हो पाता है विद्यार्थियों। तो रूब्रिक्स को हम दो भागों में बांट सकते हैं, पूर्णतावादी और विश्लेषणात्मक। पूर्णतावादी में एक ही शीर्षक के अंतर्गत विभिन्न कार्य घटकों का एक साथ मूल्यांकन किया जाता है, जबकि विश्लेषणात्मक में अलग अलग घटकों का अलग अलग स्तर पर व्यापक तरीके से मूल्यांकन किया जाता है विद्यार्थियों। ठीक है, ये आपने क्या पढ़ा, ये क्या पढ़ा। अब आप बात आती है रूब्रिक्स के लाभ, रूब्रिक्स से छात्रों और अध्यापक को ये उपयोग के माध्यम से ही हम बता सकते हैं कि एक तो तत्काल प्रतिपुष्टि हमें प्राप्त हो जाती है, छात्र का हम सिंहावलोकन कर पाते हैं कि छात्र ने कितना अधिगम किया, अध्यापक और छात्र दोनों के बारे में हम प्राप्त कर पाते हैं कि छात्र ने कितना सीखा और अध्यापक ने जिस तरीके से पढ़ाया क्या वो सही तरीका था, उसको किन किन शिक्षण कौशलों का विकास किया जाना चाहिए। इसके अलावा छात्र की उपलब्धि का सिंहावलोकन हो जाता है, त्वरित प्राप्तांक प्राप्त हो जाते हैं, एकल आयाम को हम प्राप्त कर पाते हैं, जबकि इससे नुकसान ये भी है, क्या है, एक तो विस्तृत जानकारी बालक की प्राप्त नहीं हो पाती, केवल उन्हीं चीजों की जानकारी हो जाती है जितने उसमें कार्य के घटक होते हैं, जबकि त्वरित जानकारी अगर हमें प्राप्त करनी है तो हम रूब्रिक्स के माध्यम से विद्यार्थियों कर सकते हैं। तो आज आपने मूल्यांकन रूब्रिक्स के बारे में पढ़ा, राजस्थान यूनिवर्सिटी की जो आगामी 29 तारीख को जो एग्जाम्स होने वाले हैं उनके लिए ये बहुत ही लाभदायक वीडियो है। तो आप नव भारती स्टडी सर्कल चैनल पर जुड़े रहिए ताकि आपके जो जो एग्जाम्स में आने वाले हैं, ये आपका पेपर कौन सा है, आपका अधिगम के लिए आकलन वाली जो बुक है उसका टॉपिक है मूल्यांकन रूब्रिक्स, ठीक है विद्यार्थियों, तो इसको आपको पढ़ना है, पेपर नवम का टॉपिक है विद्यार्थियों कौन सा, मूल्यांकन रूब्रिक्स अधिगम के लिए आकलन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगामी एग्जाम के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
आपको आगामी जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप नव भारती स्टडी सर्कल चैनल से जुड़े रहिए ताकि जो जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनको मैं क्लियर करवाऊंगी और 100% ये आपके एग्जाम्स में आएंगे। तो नव भारती स्टडी सर्कल चैनल से जुड़े रहिए विद्यार्थियों। इसी के साथ मेरे नव भारती स्टडी सर्कल पर लाइक्स कीजिए, कमेंट्स कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयरिंग कीजिए ताकि मैं आपके लिए आगे भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के वीडियो बनाती रहूं। विद्यार्थियों धन्यवाद।